और फिर आ गए हम अपना मुंह उठा के बिना मुंह धोए बिना ब्रश के आप सभी के सामने। आज है संडे और हर लास्ट संडे को पुणे में होता है मासिक सत्संग, तो आज जाएंगे सत्संग। पुणे में तो मानसून ने दस्तक दे दी है, डेली बारिश होती है। अभी कुछ देर पहले बंद हो गई थी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, नहीं रुकी हुई है अभी तो, अभी फिलहाल शांत है। फिलहाल मानसी और मैं रेडी हो चुके हैं, मानसी उत्तम को रेडी कर रही है, इतने में पानी की बोतल भर लेता हूँ। जा तो हम वैसे स्कूटी पे रहे हैं क्योंकि काफी देर से बारिश हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लान है। मान लो उतने टाइम बारिश स्टार्ट होगी तो इनको बैठा देंगे कैब में, मैं आ जाऊंगा स्कूटी पे। तो सब निकलते हैं, थोड़े से विलम जरूर हो गए। A few moments later. बारिश ने सारे हालात बदल दिए एक ही मिनट में। तैयारी कर रहे थे स्कूटी पे निकलने की और एकदम से ऐसी बारिश आई, सारा प्लान चेंज हो गया। तो अभी कैब करके ही जा रहे हैं हम सत्संग सत्र पे। स्थल पर पहुंच चुके हैं, हल्की हल्की बारिश अभी भी चालू है और आई थिंक ये सारा दिन ही चलेगी ऐसी बारिश। तो अभी बैठ के सत्संग सुनते हैं। सत्संग समापन हो चुका है, बारिश रुक चुकी है और उत्तम का भी रोना बंद हो चुका है। अभी चल रहे हैं घर की तरफ। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और अभी कैब से नहीं, हम आए हैं भगजी की गाड़ी से। उत्तम को चाहिए वो अपनी मम्मी। ये निकला है देसी घी हमारा मलाई से, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत है। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि आज सारा दिन बारिश ही चलेगी और बारिश चल ही रही है, और इतने अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में कहाँ कुछ काम करने का मन करता है। तो आज की है मैंने नींद पूरी अपनी, और अभी उठते ही फिर खाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल मानसी बना रही है चिल्ले, सूजी के चिल्ले बन रहे हैं, अभी मौसम के हिसाब से ठीक मैच कर रहे हैं। तो आप अपना कुछ और बना लो, मेरे को लग रही है मेरे लिए ये बना दो, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। वैसे तो थोड़ा बहुत रायता फैलाने का काम उत्तम कर देता है, लेकिन आज रायता फैलाने का काम किया है उनकी माता जी ने। क्या रायता फैलाया है वो मैं आपको बताऊं कि फैजू की एक टांग तोड़ दी, इसका तार टूट गया। तो घर में जो चीज़ भी टूटती है फूटती है उसको ठीक करने का जिम्मा मेरे को मिलता है, तो इसकी टांग यानी कि ये तार जोड़ने का, ये तार जुड़ेगा तो नहीं लेकिन एक्स्ट्रा तार आती हैं इसके साथ, तो एक तार वही अभी डालना है। फैजू फिर से ठीक हो चुका है, फैजू की तबीयत अब पहले से बेटर है। फिलहाल आज के व्लॉग को एक बच्चों की छोटी सी पोएम की दो लाइनों के साथ एंड करते हैं, और बच्चों की वो पोएम कौन सी है वो आपको करनी है गैस।